तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बीजीएमआई डाउनलोड करना है। मेरे पास तो बीजीएमआई है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। प्ले स्टोर के अंदर में घुसने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का प्यारा बीजीएमआई। तो मेरे पास प्ले का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। तो ये होने के बाद में एक चीज और आपको लेना है, यहाँ पर लिखना है GFX टूल फॉर पबजी। तो ये पर यहाँ पर दिखेगा GFX टूल फॉर BGMI फॉर पबजी, ये भी दिख रहा है ना, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर BGMI भी आ गया, GFX टूल भी आ गया, ठीक है। अभी हम लोग को करना है दो काम, एक GFX टूल का सेटिंग और दो BGMI का सेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग BGMI को ओपन करेंगे। अच्छा, अब ये ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसको करना क्या पड़ेगा देखा देता हूँ मैं, ये बहुत जन को आता है। तो हम लोग को यहाँ से निकल जाना है। तो आपके यहाँ पर जो BlueStack मल्टी इंस्टॉल का है उसको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है, देखो एक है BlueStack 64 बिट, एक है BlueStack 32 बिट। अगर आपके पास 30 बिट नहीं आता है तो आप यहाँ पर स्टार्ट पे जाके यहाँ पर से आप लोग इसको क्लिक करने से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा और ये है 32 वाला खुल गया। तो यहाँ पर GFX टूल और BGMI ऑलरेडी है। तो सबसे पहले BlueStack के अंदर घुसने के साथ साथ हम लोग को करना पड़ेगा इसका सेटिंग। तो इसका सेटिंग इसका ऊपर में देखना, यहाँ पर तीन लाइन है उसको क्लिक करना है, वहाँ पर सेटिंग आएगा, सेटिंग को दबा लेना है। तो जैसे ही दबाएंगे हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा परफॉर्मेंस, यहाँ पर है मीडियम टू कोर, मेरा तो लो एंड पीसी है तो मैं टू कोर सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका हाई है तो आप यहाँ पर चार पे जा सकते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ऑप्शन चार का ही दिया हुआ है तो चार तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रैम का ऑप्शन है, ये मेमोरी मतलब रैम है, तो इसको चार से ऊपर नहीं है तो इसको चार कर देंगे हम लोग, ठीक है। सीपीयू को हम लोग तीन में डाल के रखा है, ठीक है, थ्री में ठीक ही आ रहा है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस पर रखेंगे हाई, और यहाँ पर जो है फ्रेम रेट इसको ऑफ कर देना है। अगर ऑफ रहेगा तो ये देखो 60 में इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसको ऑन कर देना है। तो ऑन करेंगे तो इसको ऊपर में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको मोटा मोटी 100 के आसपास रख देंगे तो हम लोग को थोड़ा सा FPS ज़्यादा मिलेगा। डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले, तो FPS आपको देखना है तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद में इसको सेव कर लेना है, रिस्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग फिर से ऊपर में जाएंगे, तीन लाइन के ऊपर सेटिंग पे घुसेंगे। उसके बाद जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले आपका ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, आपका मॉनिटर का जो पिक्सल है ऊपर पकड़ लेगा। मेरा तो 1920x1080 है तो उतना ही पकड़ लिया है। ये DPI जो है 120, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे छोड़ दो। हाँ, ये इसको लेंथ बेस रखना है, ठीक है। ग्राफिक्स में जाएंगे हम लोग, ग्राफिक्स में जाने के बाद में यहाँ पर ऊपर में देखना ग्राफिक्स इंजन मोड, ये यहाँ पर रहता है तो इसको कर लेना है। परफॉर्मेंस है तो क्या होगा, आपका थोड़ा सा जो ग्लिच होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसको ओपन जेल रखना है और इंप्रेशन रेंडर को हम लोग डायरेक्टिक्स ऑटो भी रख सकते हैं या तो डायरेक्टिक्स भी रख सकते हैं। और इसके नीचे में जो है वो यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर डिकोडिंग है और हार्डवेयर डिकोडिंग है। इसका मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हार्डवेयर डिकोडिंग कर लेंगे तो हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड का हार्डवेयर अगर करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा हार्डवेयर डिकोडिंग नॉट अवेलेबल, तो इसको हम लोग कर देंगे डिसेबल, इसका हम लोग ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो GPU ये है ग्राफिक्स कार्ड का, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ये हो गया जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे गेम सेटिंग में, यहाँ पर कुछ है नहीं। डिवाइस पे जाएंगे हम लोग, डिवाइस पे भी कुछ नहीं है,
गेम पैड में भी कुछ नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे परफॉर्मेंस में, यहाँ पर जाके एक काम करना है आपको, यहाँ पर देखना ये ऑन रहता है, ठीक है। ये ऑन रहने से क्या होगा, जब आप गेम खेलेंगे तो आपका स्क्रीन छोटा आएगा, साइड में ऐड आएगा। तो अलाउ द ब्लू स्टैक टू द शो ऐड ड्यूरिंग गेम प्ले, मतलब ऐड आ जाएंगे, इसको ऑफ कर देना है तो साइड में ऐड नहीं आएगा, बस इसको ऑफ कर देना, बाकी जैसा है वैसे छोड़ देना है। अभी जाना है फोन पे, फोन पे जाके हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा एक फोन अच्छा सा जिसमें हम लोग को FPS अच्छा मिले। तो हम लोग यहाँ पर जाके सैमसंग का गैलेक्सी अल्ट्रा इसको ले सकते हैं, लिखा हुआ विल बी डिलीटेड एंड्रॉइड फ्रेमवर्क डाटा, पता नहीं जो भी हो। यहाँ पर हम लोग इसको सैमसंग का गैलेक्सी अल्ट्रा 20 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर तीन ऑप्शन एयरटेल वोडाफोन जियो, तो मेरा एयरटेल है तो मैंने एयरटेल कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट छोड़ दो, यूजर डाटा छोड़ दो, एडवांस भी छोड़ दो, और यहाँ पर नीचे में अबाउट, ये अभी तो अभी यहाँ पर अगर अभी अभी आप ब्लूस्टैक लोड किए हो तो इसमें नहीं आएगा, अगर बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करके फॉर अपडेट के लिए देखना मिलेगा, अब तो अप टू डेट है। बस इतना सेटिंग कर लो ब्लूस्टैक का। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को BGMI को खोलना है। मैं पूरा सेटिंग देता हूँ, जो जो आपको मुसीबत आएगा मेरे को पता है, तो वो मुसीबत को कैसे टालना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। पहले वाला सेटिंग बहुत है लेकिन अभी वाला का सेटिंग कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो आपका जो जो दिक्कत आएगा मेरे पे दिखेगा, वो दिक्कत आपको भी आ सकता है, तो उसको कैसे ठीक करना है मैं बता दूंगा। और BGMI बहुत ही स्मूथ चलेगा, BGMI एक्चुअली लैग करता है, पबजी लैग नहीं करेगा, पबजी PC लैग नहीं करेगा, लेकिन BGMI लैग करेगा। तो थोड़ा सा लैग को हम ये नहीं बता रहे कि BGMI लैग पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा और BGMI का जो स्क्रीन है थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा। थोड़ा सा मैं जो सेटिंग देखा देता हूँ, ये सेटिंग कर लीजिए तो बहुत ही मस्त चलेगा। अभी देखो नीचे में 0 FPS, 10 FPS, ओके। हम लोग ज़्यादा नहीं 90 तक में सीमित रखे हैं। तो ये वीडियो में चालू हो गया, ओके, मेरा नया से ये चालू हुआ है, लेवल 3-4 पहुंच गया हूँ, पता नहीं क्यों, खेला तो नहीं है। अब इसको हटाता कैसे है, जो भी, ओके। अरे हो गया भाई, क्या क्या देगा, अच्छा ये हो गया। अभी हम लोग करेंगे सेटिंग, BGMI के अंदर का सेटिंग, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद में हम लोग जाएंगे ग्राफिक्स में। तो ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर देखो स्मूथ और एक्सट्रीम, ठीक है, और इसको कलरफुल में रख देना है, बाकी जो है वैसे छोड़ देना है। तो ये अभी इतना दिखा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टूल से खोलेंगे, GFX टूल से खोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको बंद कर देंगे, BGMI को हम लोग निकल जाएंगे बाहर, कैसे निकलेंगे, सुनो बाहर कैसे निकलता है वो भी भूल गया। ओके, एग्जिट गेम। अभी हम लोग को करना है क्या, GFX टूल को ओपन करना है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग करना है मेन, ये ऐसे खुल जाएगा। तो ऊपर में जाके यहाँ पर इसको कर देना है 1920 एंड 1080। उसके बाद में मेरा तो लो है ग्राफिक्स का, इसको हम लोग स्मूथी रख बैलेंस रख देते हैं, स्मूथ बैलेंस बैलेंस रख देते हैं। अगर आपका HDR है तो आप HDR रख सकते हैं, ठीक है। FPS यहाँ पर जो है ये FPS को आपको 60 तक रहेगा, ये इसको 90 में कर देना है, ठीक है, बाकी जो है ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर सेव कंट्रोल में जाके एक बार इसको फिर से एनेबल कर देना है। उसके बाद में BGMI को क्लिक करना है, उसके बाद में एक्सेप्ट करना है, एक ऐड आएगा, हाँ, इसको स्टोर इसको हमेशा क्लियर डाटा कर लेना है, ओके। उसके बाद में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आएगा रन गेम, यहाँ से हम लोग करेंगे इसको रन। तो अब खुलेगा BGMI, उस टाइम का स्क्रीन देखा और अभी का स्क्रीन देखना, FPS देखो उस टाइम में 0 आ रहा था, अभी देखो शुरुआत में 16 आ गया है।
JFX टूल से हमेशा खोलना है VGMI को। देखियो 46, 90, 51, 17 FPS जा रहा है, 70, 60, ओके। तो हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे फिर से, गेम मैक्स ये खुल जाएगा। ओ साइकिल आया है ना, हम देखा नहीं है मैंने, साइकिल में मजा आएगा। तो ये खुल गया, अभी देखो पहले का स्क्रीन और आगे के स्क्रीन में देखो कितना अंतर है, अभी देखो कितना स्मूथ लग रहा है। यही है इसका JFX 2 का कमाल, ठीक है।